केंद्र सरकार ने राज्य मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों का पालन नहीं करने वाले राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दी है। केंद्र का कहना है कि यातायात के संशोधित नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माना वसूलने वाले राज्यों के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माने की राशि को घटाती है तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए केंद्र वहां राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे अपने परामर्श में कहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 संसद से पारित कानून है। राज्य तय जुर्माने की सीमा को घटाने को लेकर कोई कानून पास नहीं कर सकता है और ना ही कार्यकारी आदेश जारी कर सकता है। कई राज्यों द्वारा कुछ मामलों में जुर्माने की राशि को कम करने के बाद परिवहन मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से सलाह मांगी थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने सलाह देते हुए कहा है कि ये एक संसदीय कानून है और राज्य की सरकारें इसमें तय जुर्माने की सीमा को कम करने के लिए तब तक कानून पारित या कार्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकती है जब तक कि वो संबंधित कानून पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं प्राप्त कर लें। जुर्माने की रकम ज़्यादा होने की वजह से गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और उत्तराखंड ने जुर्माने की रकम को कम करने का ऐलान किया था। इसके बाद मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से इसके बारे में सलाह मांगी। और हमारे साथ इस वक्त सीपीएम के वरिष्ठ नेता हन्नान मोल्ला जुड़ गए हैं। हन्नान साहब, आपका स्वागत है। सवाल यही है कि जिस तरीके से कई राज्यों में जुर्माने की राशि को कम करने का फैसला लिया गया, उसमें से कई बीजेपी शासित प्रदेश भी हैं। अगर किसी मसले को लेकर मतभेद है केंद्र और राज्य में, ये चेतावनी देना कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ये किस रवैये को दर्शाता है? एकदम सरासर गलत है। एक तानाशाही और फैसीवादी मानसिकता का प्रकाश है। हमारा देश है, हमारा बोला यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल कंट्री है। कुछ बात में जब सहमति नहीं होता, यह तो हमको ढूंढना चाहिए कैसे सहमति किया जाए। सब कुछ जो है जबरदस्ती थोप देना, बहुत सारे कानून रोज पार्लियामेंट में पारित होता है, हजारों राज्य लागू करते हैं। पर कभी कभी जब ऐसा इशू आता है जो राज्य के सामने मुश्किल पैदा करता है, तो राज्य का अधिकार है इस सवाल को लेकर बात करना। मगर एक सरकार ऐसा है, कोई अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। डिफरेंट ऑफ ओपिनियन होगा तो उसको कुचाल दो, खत्म कर दो, उसको लिंच कर दो। स्वीट में जैसा लिंचिंग कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को लिंचिंग करने का रास्ता ले रहा है। इस सरासर गलत है, ये तानाशाह है, ये संविधान के नाम पे संविधान पर हमला है। हन्नान मोल्ला साहब, क्या आप इसको, इस रवैये को CAA से भी जोड़कर देखते हैं? क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट जब पारित हुआ उसके बाद भी न सिर्फ कई राज्यों ने बल्कि उन राज्यों में आम लोगों ने भी इसके खिलाफ रोष जताया, उसके बावजूद अगर ये रवैया दिख रहा है तो क्या दूसरे कानूनों से, खासतौर से CAA को लेकर जो टर्मोइल है, उससे जोड़कर देख रहे हैं क्या? तो दिखाई दे रहा है ना जी, एक के बाद एक हो रहा है। जब आम जनता इसके खिलाफ है, बहुत सारे राज्य सरकार इसके खिलाफ है, फिर भी केंद्र सरकार ये एक नया फॉर्म का सेंट्रल गवर्नमेंट का गुंडागर्दी है। इस संविधान पर हमला है, इस फेडरल सिस्टम को बचाना नहीं, फेडरल सिस्टम को एक खत्म करना चाहता है। यूनिटरी एक वो जो उसका लक्ष्य है ना, एक केंद्रीभूत राष्ट्र होगा जहां कोई किसी का बात नहीं चलेगा, सिर्फ सेंटर में बैठे वाला कोई लोग दादागिरी करेगा, ये जो उसका सोच है, इसी सोच का प्रकाश हो रहा है एक के बाद एक। गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। गवर्नमेंट शुड फाइंड ए वे। आपने एक बहुत लंबा वक्त देखा है सर राजनीति में, आपको याद आता है कि पहले कभी किसी जमाने में इस तरीके से राज्य और केंद्र के बीच में अगर मतभेद हुए हो तो इस तरह की कोई चेतावनी दी गई हो या परिस्थिति पैदा हुई हो? कभी नहीं दिया गया। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इतना तानाशाही व्यवहार नहीं किया। विरोध होता है, बातचीत होता है राज्य से, फिर एक सुलझाने का रास्ता भी निकालते हैं। जनता परेशान है, राज्य सरकार परेशान है, केंद्र सरकार उसको जबरदस्ती लागू करे, ये गलत है।